हिमांशु रिया स्वीटी ओके देवमित्रा अनमोल क्या बोला था अपने के पहले ही बोल दिया होगा ना अपने कार्यक्षेत्र में आ गया ना इसलिए ठीक है उनसे टिकट लिया जाए थैंक यू काजल जी थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस यू आर वेरी हार्टीएस्ट एज पर माय ऑब्जर्वेशन टिल नहीं हो रहा है सना को होगा जरूर लिंक कॉपी मत कीजिए लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करिए नहीं हो रहा है पिन जो ऊपर किया है उस पर करिए ना आप लोग अच्छा आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप सबसे जुड़े हुए हो कि नहीं उस पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा वहां से ज्वाइन कर लेना इसको रिमूव कर देता हूँ फिर नहीं हो रहा था अब आइए विषय वस्तु पर भारत में शिक्षा का इतिहास ये गौतम बुद्ध का पिक्चर मैंने जानबूझ के लगाया है इसके पीछे प्रयोजन है कारण नहीं भारत में शिक्षा का जो आत्यंतिक उद्देश्य है वो बुद्धत्व है बुद्धत्व का मतलब ये होता है कि एक चेतना की ऐसी दशा है जहां पे व्यक्ति को सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है इस दशा को कहते हैं समाधि क्या कहते हैं समाधि समाधि का मतलब होता है जहां पे सारा समाधान हो जाता है सारा समाधान समाधान कैसे हो जाता है क्योंकि समस्या है ही नहीं इसी से ज्ञान हो जाता है कि जीवन में समस्या है ही नहीं ये सब देवता है जब बुद्ध अपनी चेतना की आखिरी स्थिति तक पहुंचे तो सारे देवताओं ने उनको प्रणाम किया कहानी कहती है कि बुद्ध 3 दिन तक साइलेंट बैठे रहे देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर के निवेदन किया कि आप बोलिए बोलते क्यों नहीं रुचि मेरी इंग्लिश में कोई रुचि नहीं है बुद्ध ने कहा क्या बोलूं जो मैंने जाना है उसको बोलने से नहीं कहा जा सकता और अगर किसी को ये स्थिति को जाननी हो तो वह खुद अपने प्रयास से जान लेगा तो मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं है इन देवताओं ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल किनारे पर रुके हुए हैं एकदम एड्ज पर रुके हुए हैं आपका बोलना उनके लिए पुश साबित हो सकता है धक्का और वो ज्ञान की गंगोत्री में छलांग लगा लेंगे उनके लिए बोलिए जो बिल्कुल पके हुए हैं पके हुए वृक्ष फल की तरह लगे हुए हैं थोड़ा सा धक्का उनको पहुंचा देगा फिर बुद्ध ने बोलना शुरू किया ये कहानी इसलिए क्योंकि कहानी नहीं सच्ची घटना है प्रतीकात्मक है लेकिन सही है इसलिए कि भारत में जो शिक्षा का आत्यंतिक अर्थ है वो मुक्ति से जुड़ा हुआ है भोग से जुड़ा हुआ नहीं है भारत में जो शिक्षा का आत्यंतिक अर्थ है वो अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाना है भारत में जो शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया गया है व्यक्ति जब स्वयं को जान लेता है व्यक्ति जब अपने केंद्र को जान लेता है तो सभी को जान लेता है कुछ भी जानने को बाकी नहीं रह जाता क्योंकि अपने केंद्र पर पहुंचने से वो सारे अस्तित्व के केंद्र पर पहुंच जाता है यानी आत्मज्ञान है स्वयं को जानना और परमात्म ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड को जानना ये तो पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है तो शिक्षा का इतना सुंदर अर्थ है भारत में और शिक्षा को देवत्व से जोड़ा है सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी के हाथों में वेद वेद का मतलब होता है ज्ञान वेद शब्द ही आता है वेदना से वेदना विद्वान विदुषी
वैद्य, विद्या, ये सब विद धातु से बना है। विद, विद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के अधिष्ठाता हैं और ज्ञान की देवी इनकी पत्नी है सरस्वती। सरस्वती के बारे में भी अनूठी कथा है, सरस्वती इनकी पुत्री भी है और इनकी पत्नी भी। ये प्रतीकात्मक है, ऐसा नहीं कि अपनी पुत्री से शादी कर ली है। सरस्वती निकली है ब्रह्मा से ही, लेकिन ब्रह्मा का ये अनिवार्य अंग है। अच्छा, अनिवार्य अंग क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा का अर्थ होता है जो उद्गम है, जो स्रोत है, और जो उद्गम होगा उसमें सारा ज्ञान संग्रहित होगा, तभी तो उद्गम है। तो ब्रह्मा से सृष्टि भी निर्मित हुई है और ब्रह्मा से ज्ञान भी निर्मित हुआ है। संसार भी निर्मित हुआ है। तो भारत में भी विश्वविद्यालय का प्रचलन था प्राचीन भारत में, हालांकि वैदिक संस्कृत में विश्वविद्यालय का प्रचलन नहीं था, वैदिक संस्कृत में गुरुकुल का प्रचलन था। गुरुकुल एक अलग ही क्षेत्र है। संस्कारों के माध्यम से ज्ञान अंदर प्रविष्ट कराया जाता था, 16 संस्कार, और ये संस्कार जब मां के गर्भ में व्यक्ति रहता था उससे ही शुरू हो जाता था। संस्कार का मतलब क्या है? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब क्या है? जैसे आप बैठे हो और आपके हाथ से पानी का ग्लास छूटा और पानी फर्श पे फैल गया, कुछ समय में ये पानी सूख गया और जहां पर फैला हुआ था वहां पर बस एक छोटी सी बारीक सा धब्बा या दाग या रेखा रह गई। अगर फिर इस पर आप पानी गिराइए तो ये पानी इसी रेखा से ही बहेगा। ऐसा कभी अनुभव किया है? वहां पानी है नहीं, वहां कोई नाली भी नहीं है, लेकिन पानी गिराओगे तो इसी रेखा से ही बहेगा। ऐसे ही हमारा मन है। मन में कोई कर्म आपने, कोई विचार आपने बहा दिया तो वहां पे मन में एक रेखा खींच के सूख जाती है और फिर अगला विचार उसी को फॉलो करता है। इसको कहते हैं संस्कार, या इसको कहते हैं आदत, या इसको कहते हैं कंडीशनिंग। इतनी गहरी हो सकती है। आपको पता है बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं जो गाड़ी चलाते चलाते बीच में सो भी रहते हैं। मैं ऐसे ड्राइवरों को जानता हूं जो रात में ड्राइव करते हैं और 2-3 किलोमीटर सोते सोते वो चले जाते हैं, एक नींद, एक झपकी मार लेते हैं, एक्सीडेंट नहीं होता, कंडीशनिंग के कारण। हमारा जीवन बहुत स्मूथली चलता है आदत के कारण। अगर आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आप बातें भी करते रह सकते हो अपने फ्रेंड से, और क्लच, ब्रेक, गियर, हैंडल, स्टीयरिंग, ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इसके लिए विशेष रूप से कॉन्शियस होकर के देखने की जरूरत नहीं है, उस पर गौर करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी कंडीशनिंग के कारण। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने भाप लिया था कि जीवन में जो जो अनिवार्य है, जिसको हमको करना ही पड़ेगा, उसको पहले से ही उसकी आदत डाल दो। वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है 21 दिन किसी कार्य को कर लीजिए वो आदत बन जाती है। 21 दिन में आदत निर्मित होती है किसी भी कार्य की। सुबह अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं है, 21 दिन तक 5 बजे उठो, 22वें दिन आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, 22वें दिन खुद ब खुद 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। इस तरह से इन्होंने 16 अनिवार्य आदत की कंडीशनिंग डाल दी थी जिससे जिंदगी स्मूथ हो गई थी। इस आदत में धर्म और संसार, धर्म और भौतिकता, भौतिकवाद, इन दोनों का समावेश था। हाँ, उसी की तरफ बात कर रहा हूं। ये शिक्षा का अनिवार्य अंग है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का अनिवार्य अंग है। पेट में जब बच्चा है तो गर्भाधान संस्कार, पैदा हुआ कुंसमन संस्कार, सीमंतों ने जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण,
कर्ण वेधन विद्यारंभ यज्ञोपवीत वेदारंभ केशांत समावर्तन विवाह अंत्येष्टि। ये संस्कार जो भी हैं वो चार आश्रमों में बटे हुए हैं। कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य, व्यक्ति को पहले जीवन के 25 साल ऐसे जीना है जैसे वो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी की तरह कमंडल लेके बैठ जाना है। ब्रह्म का मतलब है विस्तार, इसी से शब्द बना ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब होता है वो अंड जो निरंतर फैलता जा रहा है, गुब्बारा जैसे फैलाते हैं ना, फैलता जाता है, ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड भी फैलता जा रहा है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऐसी चर्या जो आपका विस्तार करे 25 साल। विस्तार करके मतलब खा खा के पेट फुला लेंगे? नहीं, पेट का विस्तार नहीं, आपके जीवन का विस्तार, आपकी प्रज्ञा का विस्तार, आपके ज्ञान का विस्तार, आपके सामाजिकता का विस्तार, आपके अंदर सत्य चित्त आनंद का विस्तार, ये ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का संकुचित अर्थ होता है सेक्स नहीं करेंगे, वो गलत अर्थ। ब्रह्मचर्य का विराट अर्थ होता है अपना विस्तार करेंगे, हर संभव विस्तार करेंगे। ब्रह्मचर्य के लिए भी संस्कार है। इसके बाद है गृहस्थ। गृहस्थ मतलब संसार को संभालना है, संसार का त्याग नहीं करना है। फिर है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है जो भी आपने संसार में अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में पाया है, वो संसार को दे देना है ज्ञान के रूप में। और अंतिम है संन्यास। संन्यास यानी मुक्त की यात्रा, परम ज्ञान। इन चारों को कहा गया है आश्रम। और इन चारों में करने होते हैं चार पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थ इन आश्रमों से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य में अर्थ कमाना है, अर्थ कमाना यानी स्किल डेवलप करना है, ज्ञान सीखना है, अर्थ उपार्जन करना है। गृहस्थ में काम की सिद्धि करनी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। वानप्रस्थ में धर्म करना, यानी अपने ज्ञान और अपने धन को वितरित करना है। और संन्यास में मोक्ष। तुम्हारा कमेंट में दिखाया जी किस्मत। कोई कोई कमेंट मुझे लगता है अपीयर ही नहीं होता। अब ये सब शिक्षा के अंग थे। एक व्यक्ति है 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, यानी वो आत्मज्ञान की दिशा में आत्मज्ञानी हो गया। फिर वो जब गृहस्थ आएगा, आत्मज्ञानी का मतलब है उसने जीवन के सार तत्व को पहचान लिया। जब वो गृहस्थ जीवन में आएगा तो बच्चे पैदा करेगा, गृहस्थी करेगा, रिश्तेदारी बढ़ाएगा, समाज बढ़ाएगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी के रूप में उसका स्वाद उसको मिल चुका है, वो स्वाद बार बार उसका पीछा करेगा। वो गृहस्थ से लिप्त नहीं होगा, पत्नी से, जीवन से लिप्त नहीं होगा। जल में कमल हो तो वो बना रहेगा। कमल मतलब कीचड़ में होता है, लेकिन कमल को कीचड़ छूता नहीं है। संसार में रह करके भी व्यक्ति संसार से लिप्त नहीं होगा। और फिर वो वानप्रस्थ स्थिति में तब आएगा जब उसके बच्चों की शादियां हो गई होंगी, नाती पोते हो गए होंगे, तो वो गुरुकुल में चला जाएगा। और जो भी जीवन में ग्रहण किया है वो गुरु की भूमिका में आएगा और समाज को मुफ्त में देगा। तो वानप्रस्थ में वो व्यक्ति गुरु की भूमिका में है। और यहाँ शिक्षा बिकाऊ नहीं है, हर एक व्यक्ति गुरु बनता है। और उसके बाद अंतिम जीवन के अंतिम प्रहर में वो गुरुकुल भी छोड़ देगा और संन्यास ले लेगा। सर, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ क्यों बना, क्यों ना बने? क्योंकि संसार सृष्टा का सृजन है ना। ब्रह्मचर्य में उसने सृष्टा को जाना और गृहस्थ में संसार को जाना, दोनों को जाना। अब आप कहिए कि आप लता मंगेशकर को जानिए लेकिन उसका गीत मत सुनिए, ऐसा कभी हो सकता है? ब्रह्मचर्य की स्थिति में वो ईश्वर को जानता है और गृहस्थ की स्थिति में वो ईश्वर की कृति को जानता है, संसार को। किस्मत ऐसा करो तुम रेज हैंड करके पूछो, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो।
हाँ श्रुति, इसीलिए मैं इतना डिटेल में इसको समझा रहा हूँ। हाँ बताओ। हाँ सर, प्रणाम सर। मेरा क्वेश्चन था, आपने कहा कि आप ब्रह्मास्त्र में भी ऐसा नहीं है कि आप सेक्स नहीं कर सकते हैं। तो अगर यही सिस्टम वहां था तो फिर उन्हें वो गृहस्थ आश्रम बनाना ही नहीं पड़ता सर। वहाँ ऐसे सीक्वेंस में क्यों उन्होंने बनाया? कुछ तो बॉन्डिंग होगी, कुछ तो कंट्रोल होगा ना सर वहाँ दोनों के बीच में कि आप नहीं कर सकते हैं। तो गुड ये मैं क्वेश्चन। पूछ रही थी सर। थैंक ठीक। यू सर, थैंक यू सर। मैंने ये नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको सेक्स नहीं कर सकते या कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपकी यौन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि नॉर्मली ब्रह्मचर्य को माना जाता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि आप अपनी यौन ऊर्जा को बांध के रखो, उसको अपव्यय ना करो। ब्रह्मचर्य का अर्थ विराट है, मैं ये कह रहा हूं। इसमें यह भी समाहित है, आपको पता है ऊर्जा हमारे पास एक ही है। ऊर्जा जब अधोगामी होती है, नीचे की तरफ जाती है, तो ये काम बन जाती है, यौन बन जाती है। यही ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी बनती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो यही ऊर्जा प्रज्ञा बन जाती है, प्रतिभा बन जाती है। ऊर्जा एक ही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही है। नंगे तार को हाथ से छू दो तो मर जाओगे, ऊर्जा मौत बन जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इस कंप्यूटर में जा रही है, ये ऊर्जा हमारे ज्ञान का माध्यम बन जा रही है और पूरी दुनिया में फैल रही। ऊर्जा एक ही, इलेक्ट्रिसिटी एक ही, उपयोग इसके हजार है। ये एसी में चलेगी तो ठंडक बन जाएगी, हीटर में जाएगी तो गर्मी बन जाएगी, माइक्रोवेव में जाएगी तो खाना पकाएगी, टीवी में जाएगी तो म्यूजिक बन जाएगी। ऊर्जा एक ही है। इसी तरह से मनुष्य के भीतर भी ऊर्जा एक ही है। जब वो निम्नगामी होती है, हमारे रीढ़ की हड्डी में नीचे की तरफ जाती है, तो सेक्स बनती है, यौन बन जाती है। उससे एक नए नए जीवन का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं काम। जब व्यक्ति काम में उतरता है तो पुत्र पैदा करता है, पुत्री पैदा करता है, संसार बनाता है। लेकिन वह ऊर्जा जब ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ आती है, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, कुंडलिनी जागरण हमारा होता है, सात चक्रों से गुजरती है, तो वही ऊर्जा अपने जन्म का कारण बन जाती है। व्यक्ति का भी पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति का एक जन्म है शरीर के रूप में, मन के रूप में। व्यक्ति का दूसरा जन्म है आत्मा के रूप में, अपने आत्मस्वरूप को जान जाता है। ऐसे व्यक्ति को कहा गया ट्वाइस बॉर्न, दो बार जन्मा, इसको कहते हैं द्विज, जिसका जन्म दो बार हुआ हो। पहला जन्म माँ के गर्भ से हुआ था, दूसरा जन्म आत्मज्ञान के बाद हुआ है, संसार बदल जाता है। तो मैंने ये कहा कि सेक्स तो बड़ी छोटी सी चीज है, उसको उस तरह तो ध्यान ही नहीं है, वो तो बड़ी छोटी चीज है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि ब्रह्म जैसी चर्या। अब ऐसा नहीं है कि 100 लोग गुरुकुल में आ रहे हैं तो 100 लोग ब्रह्मचारी ही है, 100 में 10-20 ऐसे भी होंगे जो अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं। 100 लोग गुरुकुल में आ रहे हैं तो उसमें से 10 लोग तो प्योर हैं, बिल्कुल गुरु जी जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी 40-50 लोग सोच रहे हैं कि गुंडई के बारे में, वर्चस्व के बारे में, दूसरे के ऊपर हावी होने के बारे में, इनको क्षत्रिय कह दिया गया। बाकी 20-25 लोग सोच रहे हैं कि हम खूब धन कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, इनको वैश्य कह दिया गया। ये संग्रह की ही बात सोच रहा है। बाकी कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको क्या पड़ी है भगवान भगवान को जानने की। अरे खाओ पियो मौज करो, परफ्यूम लगाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, आभूषण पहनेंगे, अच्छा भोजन मिल जाए, मनोरंजन मिल जाए, टीवी भी देख लेंगे, घोड़ा वोड़ा बढ़िया होना चाहिए, घूमो फिरो मौज करो, एंजॉय करो लाइफ को, क्या जरूरत है सब ड्रामा करने की। उनको शुद्ध कहा गया। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध गुणात्मक प्रवृत्तियां हैं, ये जन्म के आधार में बाद में कुरीति बन गई। किनका क्या अप्रोच है जो इस वर्णाश्रम धर्म को पालन कर रहे हैं? ये वर्णाश्रम इसलिए चारों एक साथ कहा गया है। वर्णाश्रम अन्योन्याश्रित है, दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है उनका। जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो ब्राह्मण है, जो इस सिस्टम की रक्षा कर रहे हैं वो क्षत्रिय है। फॉलो नहीं कर रहे, इस सिस्टम की रक्षा कर रहे हैं, खुद नहीं फॉलो कर रहे। जो इस सिस्टम के अतिरिक्त वो सिर्फ संग्रह की वृत्ति है, पैसे कमा रहे हैं, धन संग्रह कर रहे हैं, वो वैश्य। जो कुछ नहीं चाहिए उनको, बस अपना खाना पीना मौज करना यही काफी है, ज्यादा नियम कानून नहीं चाहिए, वो शूद्र है। तो गृहस्थ एक साधना है। गृहस्थ का मतलब ये है कि ब्रह्मचर्य का और विस्तार करेंगे हम संसार में। वानप्रस्थ का अर्थ यह है कि हम गुरुकुल में गुरु बन जाएंगे, संन्यास का अर्थ है मुक्ति पाएंगे। हमारी शिक्षा शुरू होती है पैदा होने से लेकर के अंतिम संन्यास तक। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि भारत, प्राचीन भारत में शिक्षा का मूल अर्थ क्या था। प्राचीन भारत में शिक्षा की शुरुआत माँ के गर्भ से ही हो जाती थी और शिक्षा मुकम्मल होती थी मोक्ष के बाद। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है ना, शा विद्या या विमुक्त है, सुना होगा। विद्या वही है जो हमें मुक्त करती है, सा विद्या या विमुक्त है। भारत में शिक्षा का अर्थ मुक्ति से है। भारत में शिक्षा का अर्थ व्यवसाय से नहीं है, मानसिक ज्ञान प्राप्त करने से नहीं है,
बॉडी बनाने से नहीं है, शारीरिक ज्ञान करने से नहीं है, मुक्ति से, आत्मज्ञान से। तो प्राचीन भारत में बाद में हम देखते हैं जब बुद्धिज्म आता है, तो वैदिक सिस्टम है, जब बुद्धिज्म आता है, बुद्धिज्म के प्रादुर्भाव के बाद, या जैनिज्म भी कह रहे, यानी इसको हम कहेंगे श्रमण धर्म। दो प्रकार के धर्म है, ब्राह्मण और श्रमण। श्रमण और ब्राह्मण में क्या फर्क है? श्रमण रेशनेल को मान के चलता है, ब्राह्मण रेशनेल पर यानी लॉजिक को मान के नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि ये तर्क को मान के नहीं चलता है, ये तर्कातीत है, ये जिस सत्ता की बात करता है वो तर्क से बाहर की सत्ता है, अतार्किक नहीं है, तर्कातीत, बियॉन्ड लॉजिक। तो इनका जो फोकस है वो बियॉन्ड लॉजिक, ईश्वर परमेश्वर से बियॉन्ड लॉजिक, आत्मा ब्रह्म। श्रवण धर्म क्या करता है, जहां तक तर्क हमें ले जा सकता है वहां तक तो तर्क के सहारे जाता है, और तर्क को छोड़ करके फिर तर्क अतीत तक जाता है। तर्क की सीढ़ी इंक्लूडेड है, डिस्क्लूडेड नहीं है, यानी लॉजिक इसमें प्लस है और इसमें लॉजिक प्लस नहीं है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में एक नई पद्धति को जन्म दिया भारत में, यूनिवर्सिटी सिस्टम को, ये बुद्धिज्म की देन है बेसिकली। अब यहां पे शिक्षा में विज्ञान और धर्म दोनों का समन्वय हुआ बुद्धिज्म के बाद, ब्राह्मण धर्म के बाद में, बुद्धिज्म के बाद, क्योंकि विज्ञान लॉजिक के सहारे ही चलेगा, इलॉजिकल साइंस नहीं हो सकता। और बुद्ध ने खुद लॉजिक को ही अपने धर्म का आधार बनाया, इसलिए सफल हुआ। बुद्ध बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं, इलॉजिकल तो बात ही नहीं करते। बुद्ध का उपदेश उठा के देखो, जीवन दुख है, लॉजिक दुख है, सभी का अनुभव है, दुख का कारण है, ये भी लॉजिक है, उसका रीजन है, ऐसे थोड़ी ना, उसका उपाय है अष्टांगिक मार्ग, द्वादश निदान, प्रतीत समुत्पात, कार्यकारण का सिद्धांत, शील पद, समाधि पद, प्रज्ञा पद, हर चीज को बुद्ध ने बड़ा ही लॉजिकली डिफाइन किया है। तो साइंस तो उसमें अंतर्नहीं थे, उन्होंने संदेह को डिस्कार्ड नहीं किया, उन्होंने हवाई बातें नहीं की, परम पिता परमेश्वर ईश्वर आत्मा, जो चीज लॉजिक में नहीं समाती थी बुद्ध ने उनकी बात नहीं की, जो चीज लॉजिक में समाती थी बुद्ध ने उनकी बात की, और इसका परिणाम हुआ भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो ये तमाम विश्वविद्यालय बुद्धिज्म के प्रभाव से ही भारत में हुए, हालांकि इसमें ब्राह्मण धर्म ने भी प्रवेश किया बाद में आकर। सारे बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, सोमपुरा, उदंतपुरी, पुष्पगिरी, ये सब बुद्धिस्ट, तक्षशिला, इसमें ब्राह्मण धर्म का प्रभाव ज्यादा है, वल्लभी, इसमें जैन धर्म का प्रभाव, जगदल, इसमें तीनों का प्रभाव। तो ये दुनिया में एक अनूठा प्रयोग था, चूंकि वैदिक संस्कृति में नहीं था। सर यही सवाल मुझे प्रश्न कर परेशान करता है कि हम रोज उठते हैं और वही रोजमर्रा के कार्य करते हैं, जैसे स्टडी फिर हमारे जीवन का सच्ची वाला उद्देश्य तो अलग है, फिर रोज रोज एक जैसे कार्य करने का क्या लाभ, हमें जीवन भी तो किसी न किसी कारण से दिया है, वो कारण कैसे पता चलता है? जीवन के कारण से पहले ये जानो कि तुम कौन हो, तुमको अपना जिस दिन पता चलेगा उस दिन सब कुछ पता चलेगा। बुद्धा का एक बार क्या कहिए, रिपीट स्लाइड इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना। तो ये जो विश्वविद्यालय पद्धति थी, यहां पर जीवन की पहले तो मूल केंद्र था सत्य। देखो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था स्वर्ग, इस जीवन को स्वर्ग की तरह बनाना है, जीवन की सुविधाएं होनी चाहिए। वैदिक काल के बाद जब हम आते हैं और आगे बौद्ध काल, और बौद्ध काल के थोड़ा सा पहले लेटर वैदिक काल, जो उपनिषदों का काल है, यहां पर शिक्षा का मूल उद्देश्य है मुक्ति। उपनिषद मुक्ति की डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में मुक्ति डायरेक्ट नहीं आती, जीवन के अन्य तमाम अनुसांगिक अंगों को भी इसमें शामिल किया गया है। जैसे तर्क, विज्ञान,
चिकित्सा, संगीत, वास्तु। यहां पर इन विधाओं की भी शिक्षा साथ साथ चली और इनका अंतिम उद्देश्य है मुक्ति। और इन यूनिवर्सिटीज में ये सभी विधाएं पढ़ाई जाती थी। पेपर में ये नहीं आता है, सभी धर्म, सभी यूनिवर्सिटीज में सभी धर्म। यूनिवर्सिटीज कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यूनिवर्सिटीज का संबंध है नॉलेज से, ज्ञान से, इनका संबंध धर्म से नहीं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद भारत में प्रादुर्भाव होता है इस्लाम का। इस्लाम में शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस्लाम को जानना, इनके कानून को जानना, इस्लामिक जीवन पद्धति को जानना, इस्लामिक जीवन पद्धति यानी शरीयत, और इस्लामिक कल्चर को जानना यानी आदाब या अदब साहित्य। इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ है पूरी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इनके पैगंबर थे, उनके जन्म से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, तो उन्होंने सिर्फ धर्म पे जोर दिया कि खुदा के हुक्म को समझो, और खुदा के हुक्म को, खुदा ने जो कुछ भी कहा है उसको संकलित किया है कुरान में। ये पिक्चर है मदरसा, ये अरब का मदरसा है। लेकिन जैसे जैसे इनके उत्तराधिकारी, जिनको हम खलीफा कहते हैं, इनके अंतर्गत इस्लाम का विकास हुआ, राजनीति, कानून, सामाजिक व्यवस्था, कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब चीजों में, इन सब चीजों को पढ़ाने के लिए दो तरह की संस्थाएं हैं। पहली संस्था है जो स्कूलिंग जिसको कहते हैं, वो था मदरसा, मकतब। स्कूल को कहा गया है मकतब, और कॉलेज को कहा गया मदरसा। इसमें ये सब पढ़ाया गया। खलीफाओं ने गैर इस्लामिक शिक्षाओं की शुरुआत नहीं की, खलीफाओं ने इस्लाम के शिक्षा को थोड़ा सा विस्तार दिया, ये सब चीजें इसमें शामिल किया। सिर्फ धर्म का विमर्श इस्लाम को नहीं बनाया, इस्लाम में अन्य भी चीजें जो शामिल थी उनको भी इंक्लूड किया। इट वॉज नॉट गैर इस्लामिक। इसके बाद आते हैं भारत में अंग्रेज। अभी तक स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन भारत में नहीं है, यानी जो भी शिक्षा है वो उस पर राज्य सहयोग नहीं दे रहा है। शिक्षा पूरी तरह से व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत रुचि पर आधारित है। अंग्रेजों की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने शिक्षा को प्रमोट करने के लिए शासन को उसमें इन्वॉल्व किया, और क्रमशः शिक्षा का विकास किया। अंग्रेजों ने शिक्षा को दो प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया, जो कि उनके आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित था। वो प्रयोजन क्या थे? पहला,
शिक्षा का इनका दो उद्देश्य था, एक तो था अपने लिए एक टीम तैयार करना जो इनके प्रशासन में इनका सहयोग करे, दूसरा इंडिया को वेस्टर्नाइज करना, टू प्रमोट वेस्टर्न वैल्यूज ओवर इंडियन वैल्यूज। तो अंग्रेजी शिक्षा इन दोनों परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ी और इसके लिए इन्होंने क्रमशः प्रयास किया। इसके तीन चरण में इसको हम बांट सकते हैं। पहला चरण, जब इन्होंने भारतीय व्यवस्था को समझने की कोशिश की अंडरस्टैंडिंग इंडियन सिस्टम, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर कब्जा करने या उस पर शासन करने के लिए उसको समझना जरूरी है। बिना समझे आप राज्य नहीं कर सकते। इसके लिए इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया इसमें अंग्रेजों को फारसी और अरबी पढ़ाना शुरू किया। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि हमको पैसा दीजिए ताकि भारत में हम स्कूल खोल सकें। 1784 में ही विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एक सोसाइटी बनाई जो स्कूल नहीं थी और इस सोसाइटी का नाम था इंडिया को समझना काम था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, भारत के जो पुराने किताबें थे मैगजीन निकाला एशियाटिक रिसर्च, बहुत सारी किताबों को अनुवाद किया गया। विलियम जोन्स ये काम कर रहे थे अंग्रेजों को समझाने के लिए कि भारत क्या है, भारत का मतलब क्या है, इसको हम भारत कहेंगे। तो बहुत सारी किताबों का क्रमशः अनुवाद किया गया। 1784 में इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में। बाद में 1787 में हितोपदेश का अनुवाद, 1789 में कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, 1792 में गीत गोविंद, 1794 में मनुस्मृति का, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन, इनके प्रयास से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। ताकि हिंदुओं का धर्म साहित्य कानून समझा जा सके, उसका अध्ययन किया जा सके। तो यहां तक तो ये असंगठित कार्य था भारतीयता को समझने का। इसके बाद पहली यूनिवर्सिटी खोली गई फोर्ट विलियम, कॉलेज था यूनिवर्सिटी में, और 1800 में विलेज अली ने अंग्रेज से जो रंगरूट आते थे ICS बन करके उनको भारत के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो इसने डिक्शनरी बनाई इंग्लिश हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी व्याकरण ग्रामर, लेकिन बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि यही काम हम वहां नहीं कर सकते इंग्लैंड में, इतनी दूर जाकर के इंडिया में क्यों पढ़ना, पढ़े लिख के यहीं से चलेंगे। तो 1802 में इसको बंद कर दिया गया और 1806 में यही काम शुरू किया गया इंग्लैंड के हेलबरी में। हेलबरी में पहले किसी को ध्यान में ही नहीं आया था कि ये काम इंग्लैंड में भी किया जा सकता। तो ये पहला चरण है जब भारत को समझने के लिए कोशिश की जा रही थी। पहला चरण अंडरस्टैंडिंग का था। दूसरे चरण में शुरुआत हुई इन दोनों चीजों की। 1813 में
1 लाख रुपया भारत में विद्या के प्रचार प्रसार के लिए रखा गया और ईसाई मिशनरियों को लाया गया कि भारत में वो अंग्रेजी अंग्रेजियत का प्रचार करें, वैल्यूज को बदलाएं। इन्होंने बड़े गुल खिलाए, बाइबिल का अनुवाद किया, बंगाल में जगह श्रीरामपुर को इन्होंने अपना केंद्र बनाया। बंगाल के डॉक्टर विलियम कैरी, विलियम बार्ड, जोशुआ मार्समैन, इनका नाम मिलता है। और 1818 ईस्वी में ही बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना हुई। यहाँ ईसाई मिशनरियों को ट्रेनिंग दिया जाता था। तो ये अंग्रेजों का शुरुआती प्रयास था। इसके बाद भारतीयों ने भी ऐसा प्रयास शुरू किया और उसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने कहा कि इंग्लिश का नॉलेज भारत में वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए जरूरी है और इस क्षेत्र में जो दिखाया जा रहा है हिंदू कॉलेज, एक अंग्रेज डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जिंदगी भर ये कोशिश करते रहे। चूंकि राजा राम मोहन राय इसमें इन्वॉल्व थे तो इसमें सेकुलरिज्म की बात की गई। और संस्कृत और फारसी को दरकिनार किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रसिद्ध दिया गया। राजा राम मोहन राय का एक पांव इंग्लैंड में ही रहता था, उनकी मौत भी इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी कब्र बनी हुई है। यह इंग्लैंड के ब्रिस्टल में बनी हुई राजा राम मोहन राय की कब्र। क्योंकि वहीं इनकी डेथ हो गई। 1813 में जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था उसमें बहुत सारा लूप एंड होल था कि क्या पूरे इंडिया को एजुकेट किया जाए, क्योंकि जिस तरह के एजुकेशन की बात अंग्रेज कर रहे थे वो सभी को देना आवश्यक था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम यहां लूटने आए हैं, शिक्षित करने नहीं आए हैं, शिक्षित सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमारे इंटरेस्ट में होगा, उसे ज्यादा नहीं करेंगे। तो दो तरह का मत था इसमें, एक तो जो एलीट क्लास है सिर्फ उन्हीं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि ये एलीट क्लास लोगों पर शासन करता है। और इन लोगों पर शासन करने की वजह से इलीट क्लास का प्रभाव है लोगों के ऊपर, और ब्रिटिशर्स को कोई भी मतलब सिद्ध करना होगा तो वो समाज के उपरोक्त वर्ग से ही करेंगे, उच्च वर्ग से ही करेंगे। आम आदमी से इनको क्या लेना देना है? आम आदमी इनके लिए विकास का साधन नहीं है, सिर्फ टैक्स देने वाला किसान है, और ये टैक्स वसूल करेगा समाज का उच्च वर्ग। ऊंचे वर्ग को अंग्रेजों की भाषा, उनके तहजीब, उनके तौर तरीके आने जरूरी हैं, और निम्न वर्ग से तो डील कर लेगा उच्च वर्ग ही। तीनों ने अपनी शिक्षा की नीति में इस पर फोकस किया और इसको नाम दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये क्या होता है? यानी ऊपर के कुछ लोगों को सिखाया जाए जो रसूख वाले लोग हैं, और नीचे वालों को सिखाने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले इनको फॉलो करेंगे और थोड़ा बहुत जो सीख पाएंगे सीख पाएंगे। यानी शिक्षा ऊपर से टपकेगी नीचे की तरफ, छन छन के जनता के ऊपर गिरेगी,
और जनता दो बूंदी जिंदगी के पाती रहेगी और खुश रहेगी। इसे ही इन्फिल्ट्रेशन, चूंकि छन छन के पहुंचने वाली थी तो कहा गया इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये जो महान थ्योरी दी थी वो दिया था लॉर्ड मैकाले ने। ये है मैकाले। और इसकी घोषणा की थी ऑकलैंड में। प्रॉपर टीम बनाई थी, 10 लोगों की कमेटी थी। तो पहला तो यह सवाल हुआ कि किसको शिक्षा दी जाए, दूसरी समस्या यह थी कि कौन सी शिक्षा दी जाए। किसको हो गया, दूसरा कौन सी। कौन सी में दो ऑप्शन थे, एक अंग्रेजी शिक्षा, दूसरी भारतीय शिक्षा। तो दो दल हो गए, एक कहता था भारत को भारतीय सिखाओगे, दूसरा कहता था नहीं प्राची विद्या सिखाएंगे। तो प्राची विद्या के समर्थकों में बहुत लोग थे, जैसे एसटी प्रिंसेप, एचएच विल्सन, ये कहते थे कि भारत में संस्कृत सिखाओ, फारसी सिखाओ, अरबी सिखाओ, देशी भाषा में बात करो। वॉरेन हेस्टिंग्स भी यही कहता था, लॉर्ड मिंटो भी यही कहता था। दूसरी ओर अंग्रेज दल था जो अंग्रेजी में शिक्षा चाहता था, मुनरो, एल्फिंस्टन, अंतिम में कुछ समझ में नहीं आया तो इन भाई साहब से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, आप ही बताइए, क्योंकि ये शिक्षा समिति के सभापति नियुक्त किए गए। इन्होंने कहा कि कैसी संस्कृत, कैसी अरबी, अरे यूरोप के एक बढ़िया लाइब्रेरी की एक अलमारी का एक कमरा, उसकी शेल्फ इंडिया और अरब के समस्त साहित्यों से अधिक वैल्यूएबल है, भारतीयों को आता क्या है। और आप लोग जब भारतीयों को ब्रह्मज्ञानी बना देंगे तो आप क्या सोचते हैं कि आपके नौकर बनेंगे, आपके गुलाम बनेंगे, आपका काम करेंगे? नो, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि खून उनका, रंग उनका, ये तो इंडियन होगा लेकिन विचार और बुद्धि ये ब्रिटिश हो। ये दोनों काम एक साथ करो तब जाके तुम्हारी शिक्षा का जो खर्च करोगे वो सफल होगा। विलियम बेंटिक तो बहुत हैप्पी हो गया, इनको व्हाट्सएप से एक बड़ा सा स्माइली भेजा और कहा कि बिल्कुल सही, यही हम समझ नहीं पा रहे थे जो तुमने समझा दिया। और 7 मार्च 1835 इतिहास का वही काला दिन था जब अंग्रेजी भारत के शिक्षा का माध्यम बन गई और आज तक वही है, आज भी नहीं बदला, क्योंकि आज भी हम विचार और बुद्धि से यूरोपियन होना चाहते हैं, ब्रिटिश होना चाहते हैं, खून और रंग से भारतीय मजबूरी में है। आज भी हमें सॉरी, थैंक यू, सी यू, बाय, और शिट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी रोज डे, हैप्पी किस डे, हैप्पी हर्ट डे, ये कहने में बहुत मजा आता है। धन्यवाद, क्षमा कीजिएगा, या अपनी जो भी भाषा हो बोलने में थोड़ी शर्म आती है, किसी को इंप्रेस करेंगे तो अंग्रेजी बोल के करेंगे। ओ यू नो माय नेम इज मिस्टर एंथनी गोंजालेस। अच्छा, अंग्रेजी भी बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी जैसा नहीं बोलेंगे, भारतीय अंग्रेजी, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ऐसा नहीं बोलेंगे, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, यू नो, उसमें ब्रिटिश एक्सेंट होना चाहिए। ये बंदा जो काले कोट में गला लपेट के खड़ा है छड़ी लेकर के, ये कितनी दूर तक हमारी कमजोरी को देख पाया था, और आज तक हम उसे मुक्त नहीं हो पाए।
जिस श्रेणी का ये निर्माण करना चाहता था आजादी के 90 साल बाद भी वो श्रेणी भारत में है, रंग और रक्त से भारतीय और विचार और प्रवृत्ति और बुद्धि से अंग्रेज। तो 2 फरवरी 1935 को अपना स्मरण पत्र लिखा जिसको कहते हैं मिनट्स, और हार्डिंग ने आगे चलकर के नियम बना दिया कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अंग्रेजी में ही लिए जाएंगे। अब आप देखिए, जब मैंने ये क्लास शुरू किया था, शिक्षा का उद्देश्य इस पिक्चर में जो मैंने आपसे बात की थी, वहां शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जब मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया था, वहां शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जब मैंने आपको 16 संस्कारों की बात की थी, यहां शिक्षा का उद्देश्य क्या था? जब मैंने इन यूनिवर्सिटीज की बात की, तक्षशिला, नालंदा, शिक्षा का उद्देश्य क्या था? और जब मैं इनकी बात कर रहा हूं तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्यों में किस तरह से क्रमशः पतन हुआ, यहां शिक्षा का उद्देश्य है गुलाम बनाना, अपने शोषण के यंत्र बनाना। 1844 ईस्वी में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया। अब मध्यम वर्ग, किसान तो शोषित थे, किसानों के बेटे पैदा हुए मध्यम वर्ग, उन्होंने सोचा कि कमाई का जरिया क्या, कमाई का जरिया नौकरी है, तो नौकरी के लिए नौकरी चाहिए, तो अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, लाखों लाखों लोग अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किए, और भारत में पहली बार तो मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। और इसी मध्यम वर्ग ने अंग्रेजों का तख्ता पलटने में अपना योगदान दिया। देसी भाषा का विकास रुक गया, और अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा में नए 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 परिवर्तन लाने शुरू किए, जिसको इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वो था वो डिस्पैच। इसके पहले भारत में शिक्षा का विकास की गति बहुत धीमी थी। लेकिन वो डिस्पैच के बाद शिक्षा का विकास तेज हो गया। इसमें डलहौजी था गवर्नर जनरल, और पहली बार भारत में शिक्षा की एक बृहद योजना, डिटेल्ड प्लानिंग की गई अखिल भारतीय आधार पर। 100 अनुच्छेद थे, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है जो मील का पत्थर हो। सर नाम के आगे इसलिए लगा होता है थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए, पहले मिस्टर नहीं था ना, मिस्टर की जगह सर यूज करते थे, बाद में मिस्टर हो गया, श्री जैसे हम लगाते हैं श्री। तो इन्होंने कुछ कुछ बातें बड़ी क्लियर कर दी कि शिक्षा का मतलब ही है वेस्टर्न एजुकेशन, इंडिया में, और उसका मीडियम होना चाहिए इंग्लिश, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश करो देसी भाषा को भी फैलाने का। स्कूल खोले जाए गांव में, और इनको सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाए, लोक शिक्षा विभाग बने, और लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे पूरे देश में विश्वविद्यालय बने, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। तो पहला विश्वविद्यालय, ये तो लंदन विश्वविद्यालय जो फोटो में दिख रहा है, पहला विश्वविद्यालय शुरू किया गया कलकत्ता में। तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों पर भी बल दिया गया, ट्रेनिंग शुरू किया गया टीचरों का। इसी गुड डिस्पैच में पहली बार वीमेन एजुकेशन की भी बात की, और इसी के आधार पर 1855 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। '57 तक तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोल दिए गए। तो ये अंग्रेजों के समय, इसमें भारतीयों में भी प्रयास देखने को मिले,
जैसे आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की। मेरे पास नहीं है दीवार पे, क्यों? आवाज आ रही है? काफी तेज आ रही है। हंटर एजुकेशन कमीशन, EIIT नेटिको में। इसने प्राइमरी एजुकेशन पे काम किया। काम इसको करना था प्राइमरी एजुकेशन में, लेकिन इसने सुझाव प्रस्तुत किया मिडिल एजुकेशन का। इसने कहा दो तरह की शिक्षा दी जाए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए साहित्य और व्यवसाय। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कहा कि इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए और इसी से प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन में विकास हुआ। अगला है रैले कमीशन, 1902 ईस्वी में। इसी कमीशन में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। दो भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इसी रैले कमीशन से। रैले ने कहा कि सरकार को 5 लाख रुपया 5 साल के लिए वार्षिक शिक्षा सुधार के लिए निर्धारित करना चाहिए। कर्जन के समय से ही शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति हुई और पहला शिक्षा महानिदेशक बनाया गया HWU ऑरेंज। भारत में बहुत सारे नेता निःशुल्क शिक्षा की मांग कर रहे थे, उसमें से प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के इन मांगों के फलस्वरूप, चूंकि उदारवादी दल के नेता थे, 12 फरवरी 1913 को अंग्रेजी सरकार ने निरक्षरता को समाप्त करने की नीति बनाई। और ये नीति बनाई कि हर प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय बनेगा। फिर आता है सैडलर आयोग, इनका उद्भव ही हुआ था विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देने के लिए। माइकल सैडलर, इसने विश्वविद्यालय अधिनियम की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की और काफी सैड हो गए। तो इन्होंने ही इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की। +1 and +2 +1 + +2 करने के बाद इनका यह कहना था कि इसके बाद BA होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 साल का। BA भी दो तरह का होना चाहिए, एक पास कोर्स दूसरा ऑनर्स। ये जो +1 + +2 का जो टाइम पीरियड है इसको इंटरमीडिएट कहा जाएगा,
इसके बाद यूनिवर्सिटी शुरू होगी। प्रिय सिस्टम इनोवेबल हाटों कमेटी ने फिर कहा कि प्राइमरी एजुकेशन अच्छी नहीं है और यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए, और इन्होंने कहा कि गांव में आठवीं के बाद व्यावसायिक शिक्षा दी जाए या औद्योगिक शिक्षा दी जाए। गांधी जी को उनकी बात बड़ी अच्छी नहीं लगी। गांधी जी ने अपनी शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है वर्धा योजना। 1937 में हरिजन में इनका न्यूज़पेपर था, उसमें लेखों की एक पूरी श्रृंखला प्रकाशित की गई। इसमें उन्होंने मौलिक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके हेड थे। इसमें इन्होंने कहा कि उत्पादन का कार्य शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इससे शिक्षक वेतन नहीं लेंगे, उत्पादन से वो वेतन का प्रबंध करेंगे। 7 साल तक मातृभाषा में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए, लेकिन ये फेल हो गया। तो आज हायर एजुकेशन का बाकी हम कल करेंगे, समय समाप्त हुआ आपका। आशा है कि प्राचीन काल से लेकर के गांधी तक शिक्षा का जो ये विकास का कालक्रम है वो समझ में आ गया होगा। पास कोर्स थोड़ा सा इजी होता है, ऑनर्स थोड़ा रिसर्च बेस्ड होता है, ये डिफरेंस है। तो इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं 9 बजे वाली हिस्ट्री क्लास में। तब तक सभी को बाय।